एक तरफ जहां केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आंदोलन को समाप्त करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के नेता एसएस सुब्रण ने केंद्र सरकार पर किसानों को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान एकता को भंग करना सही नहीं है। साथ ही सुब्रण ने पीएम मोदी से सभी 507 किसान यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक करने की मांग की है। किसी भी बात का हल जो है मीटिंग से ही निकलता है। मीटिंग बार बार रिपीटेड हो रही है, बर्बाद प्रधानमंत्री और उनकी टीम इन बिलों को फायदे गिनाने में लगे हैं। हम उनकी परत परत खोल रहे हैं भी इनको नुकसान बड़े है, फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा है। वो बार बार मीटिंग रिपीट हो रही है। एक हमारा कहना था, पहले दिन से ही हमने सभी मीटिंगों का बाइकाट किया था। पहले दिन से 507 संगठन है पूरे देश के, सभी को क्यों नहीं बुलाते मोदी जी? 32 बुला लेते हैं, बाकी को छोड़ लेते हैं। सभी को बुलाने में क्या मतलब घाटा पड़ जाएगा कोई? सभी को बुलाकर जब सभी किसानों की, सभी देश के किसानों की मुश्किलें एक हैं, मांगे एक हैं, सभी को बुलाकर खुद मीटिंग लें और मीटिंग लेकर इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? हम नहीं जाएंगे, तय कर लिया है, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, उतनी देर नहीं जाएंगे जितनी देर देश के सभी 507 संगठन के नेताओं को बताकर मोदी जी खुद मीटिंग नहीं लेते।